हेलो, कैसी है देवजी टेक्निकल की फैमिली। दोस्तों, आज जो मैं पूरे 3 सप्ताह के बाद अपने चैनल पर जो है टेक वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मेरा देवजी टेक्निकल जो है एक हैकर के द्वारा, रशियन हैकर के द्वारा जो है हैक किया जा चुका था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब टीम के द्वारा जो है सक्सेसफुली जो है मुझे रिकवर कर दिया गया है, और ये जो है मेरे पास जो है आ चुका है इसका एक्सेस जो है, और मैं इस पर जो है काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर जो है ढेरों टेक वीडियो आपको देने वाला हूं, और एक नई जोश और उम्मीद के साथ जो मैं इस चैनल पर फिर से काम करने के लिए आप लोगों के सामने जो है आया हूं। तो दोस्तों, प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि चैनल हैक होने के बाद दोस्तों जब मेरा आया था, तो सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन को जो है इनेबल किया था, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप जो है अपने ईमेल अकाउंट से जो है यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखना है। कहीं अगर आपका यूट्यूब चैनल जो है किसी हैकर के द्वारा हैक किया जाता है, तो आपके फोन पर जो है नोटिफिकेशन मैसेज आता है कि आपका जो है कोई भी ईमेल अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपने जीमेल अकाउंट पर जो है कैसे 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करेंगे। और जो लोग अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर रखा है, वो लोग भी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट पर अपने यूट्यूब चैनल को सेफ रखने के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे इनेबल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए इसके लिए मैं आपको अपने पीसी के स्क्रीन पर चलता हूँ, वहाँ पे आपको फुल ट्यूटोरियल बहुत ही डिटेल्स में बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने YouTube के Gmail अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन कैसे इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन करना है। आप ब्राउजर को स्मार्टफोन या जो है अपने लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने जो है लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन करके आपको बता देता हूँ। और यहाँ से दोस्तों हम 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से न्यू इनकॉग्निटो विंडोज को जो है ओपन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको जो है YouTube की वेबसाइट पे चले जाना है। आपको भी अपने ब्राउजर में YouTube की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे YouTube पे मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है YouTube की वेबसाइट को सेव करके रखा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे जो है लैपटॉप के स्क्रीन पे जो है यूट्यूब की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है साइन इन नहीं है, तो यहाँ पे साइन इन कर लेना होगा हमको जो है अपने यूट्यूब के ईमेल अकाउंट और पासवर्ड से। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। दोस्तों साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहां पे अपना यूट्यूब चैनल का ईमेल अकाउंट डालना है। तो चलिए यहां पे ईमेल अकाउंट डाल देते हैं। ईमेल अकाउंट डालने के बाद दोस्तों आपको यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो जो भी आपका यूट्यूब चैनल का पासवर्ड होगा आपको यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों देखा आपने कि जैसे ही मैंने पासवर्ड को डाला यहाँ पे और इंटर किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है मेरे स्मार्टफोन से पहले से ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे इनेबल करके रखा है मैंने। तो मेरे स्मार्टफोन से ही जो है मेरा यूट्यूब चैनल का ईमेल अकाउंट लॉगिन होगा। तो मैं यहाँ पे जो है अपने स्मार्टफोन से एस कर देता हूँ, और एस करने के बाद दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिक लॉगिन कर जाएगा। तो मेरा स्मार्टफोन अगर जिसके हाथ में रहेगा, तो वो जो है मेरा यूट्यूब चैनल का जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो है लॉगिन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ अपने चैनल से। तो अब आपको जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और मैनेज योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मैनेज योर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों मैनेज योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यूट्यूब चैनल का जो है ईमेल अकाउंट का जो है पूरा गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आप यहां से जो है अपने जीमेल अकाउंट के गूगल अकाउंट पर जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहां पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहां पे क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी के ऑप्शन में यहां पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों साइन इन टू गूगल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर रखा है। तो मैं इसको जो है एक बार ऑफ करके फिर से यहां पे जो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके यहां पे आपको दिखा देता हूं। तो चलिए यहां पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से फिर से आपका जो है ईमेल आईडी का पासवर्ड पूछा जाएगा, ताकि आप जो है अपने गूगल अकाउंट के सेटिंग को जो है फिर से सेट कर पाएं। तो यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड डाल देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वॉइस और टेक्स्ट मैसेज को जो है यहाँ पे इनेबल कर रखा है, जो कि मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे वो जो है कोड भेजा जाएगा, जिसकी मदद से जो है मैं अपने कोड के अनुसार जो है इंटर करके जो भी कोड आएगा मुझे गूगल की तरफ से, उस कोड को डाल के यहाँ पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेंसिल के आइकन पे क्लिक करता हूँ, या मैं फिर यहाँ से इसको ऑफ करके टर्न ऑन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले इसको ऑफ कर लेते हैं।
तो दोस्तों टर्न ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है साइन इन इन टू गूगल का जो है यहाँ पे यूज योर फोन साइन इन ऑफ हो गया है और यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑफ हो चुका है। तो हम जो यहाँ पे आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने का तरीका बता रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को फिर से क्लिक कर देते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद टू स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब अगर आप अपने अकाउंट को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो गूगल की तरफ से बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी मदद से जो है आप अपने गूगल अकाउंट को टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा के जो है सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हैकर से भी आपका फोन बचा रहेगा और आपके घर में भी कोई अगर आपका अकाउंट खोलना चाहेगा तो आपके बिना जो है ओटीपी डाले जो है आपके नंबर पर जो ओटीपी भेजा जाएगा बिना ओटीपी एंटर किए आपका कोई भी अकाउंट नहीं ओपन कर पाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। दोस्तों गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से अपने जीमेल अकाउंट का जो यहाँ पे पासवर्ड डाल के इंटर कर लेना है। दोस्तों अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डाल के इंटर करने के बाद अब आपके स्क्रीन पे जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो है पेज आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पर कि आप जो है गूगल की तरफ से कोड मंगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ये मैंने हाइड इसलिए करके रखा है क्योंकि जो है मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन का नंबर जो है किसी को दिखाई नहीं दे, वरना मेरा ये भी अकाउंट जो है हाईजेक हो सकता है। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल विल ओनली यूज दिस नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी, डोंट यूज गूगल वॉइस नंबर। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल इस नंबर को केवल जो है सिक्योरिटी के लिए यूज करेगा। और आपको यहाँ पे हाउ डू यू वॉन्ट टू गेट कोड्स, तो आप यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, टेक्स्ट मैसेज फोन नंबर, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर पे फोन के द्वारा कोड बताया जाए तो यहाँ पे फोन कॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के जो है मैसेज के थ्रू आपका जो है कोड यहाँ पे भेजा जाए आपके नंबर पे, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कंफर्म दैट इट वर्क्स का जो है कोड आ जाएगा, मतलब ये नंबर काम कर रहा है कि नहीं, तो गूगल जो है आपके नंबर पर एक कोड भेजेगा जो कि आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए मैं कोड भर देता हूँ, मेरे नंबर पे कोड आ चुका है। दोस्तों कोड को यहाँ पे भरने के बाद अगर आपके नंबर पे कोड नहीं आता तो आप यहाँ पे रिसेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे नंबर पे जो कोड गूगल के द्वारा मिल चुका है तो मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ। कोड को भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट वर्कड टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो जो मेरा जो है नंबर काम कर गया है और मेरे नंबर पे जो है गूगल के द्वारा आप कोड भेजा जाएगा जब भी कोई भी या मैं ही जो है अपने गूगल अकाउंट को जो है लॉगिन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये सेटिंग ऑन करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना जो है जो नंबर आप यहाँ पे डाले रहेंगे वो नंबर किसी को नहीं देना है, नहीं तो वो आपके अकाउंट को जो है खोल सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर डालना है और वो नंबर अगर खो जाता है तुरंत आपको अपने नंबर को ब्लॉक करवा देना है ताकि कोई भी आपका अकाउंट जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू जो है खोल ना पाए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्न ऑन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। टर्न ऑन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे इनेबल हो चुका है और मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब जब भी मैं अपने गूगल अकाउंट के जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड से यूट्यूब चैनल को खोलने की कोशिश करूंगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा, जब तक मैं वो कोड को यहाँ पे नहीं डालूंगा मेरा जो है गूगल अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों ये तो रहा टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे इनेबल करें। उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है अपने यूट्यूब चैनल के जीमेल अकाउंट पर जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेंगे ताकि आपका गूगल अकाउंट कोई भी हाईजेक ना कर पाए। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमेशा जो है अपने ब्राउजर में अगर आप जो है गूगल का यूट्यूब चैनल का जो है जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो हमेशा साइन आउट कर दें ताकि जो है कोई भी बंदा फिर से आपके गूगल अकाउंट को ओपन ना कर पाए अपने सिस्टम में, और आपके सिस्टम को अगर वो टच करता है तो आपके जो है गूगल अकाउंट को ओपन ना कर पाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियोस में मैंने जो भी स्टेप बताया आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने का आपके अपने जीमेल अकाउंट पर, जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल जो है हैक होने से बच सके, तो ये आपको बहुत ही जरूरी कर लेना है अपने यूट्यूब चैनल की सेफ्टी के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है जीमेल अकाउंट से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आपका जीमेल अकाउंट जब भी हैक होगा तो आपका यूट्यूब चैनल भी जो है हैक हो जाएगा। तो हमेशा जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करके रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटा दबाकर ऑल ऑप्शन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरी आने वाली अगली वीडियो को भी आप बहुत जल्दी देख पाएं। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहें देखते रहें सीखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।